हाय गाइस, वेलकम टू बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वीवो की कुछ लेटेस्ट एप्लीकेशन अपडेट, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं दोस्तों। और वीडियो से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना नहीं आता या आपको डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो को लिंक देखने को मिल जाएगा, हाउ टू डाउनलोड एप्लीकेशन, आप जाकर वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑफ क्लिक कर देना, ताकि ऐसे में हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। और इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो कर लीजिएगा। और गाइज, थैंक यू सो मच फॉर 100K व्यूज़ इन दिस चैनल। सो गाइज, विदाउट एनी मोर वेस्टिंग टाइम, एंड स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज, वीडियो से आगे होने से पहले मैं आपको फिर से रिमाइंड कर देता हूँ, अगर आपको एप्लीकेशन फाइल डाउनलोड करने नहीं आता, तो फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी। सो सबसे पहले गाइज, मैं आपको सबसे पहले चेंजेस की बात करूँ, वो गाइज ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मैं आपको देखा रहता हूँ गाइज, यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से फीचर्स देखने को मिल जाता है, और बैकग्राउंड भी चूज करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो गाइज, आप देख पा रहे हैं, मैं आपको एक एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अप्लाई करके देखा रहा हूँ। सेकंड वाली आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाएगी दोस्तों। और गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो गाइज, आप यहाँ से टेक्स्ट को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, और क्लॉक स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको कलर चेंज का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और ग्रेडियंट कलर भी आप यहाँ चूज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर एक आपको अप्लाई करके देखा हूँ, ये वाला अप्लाई कर लेता हूँ, और इसमें थोड़ा सा कलर ऐड कर देता हूँ, और यहाँ को साइड भी चेंज कर सकते हैं, न्यू फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है। और ग्रेडेड कलर अप्लाई करने के बाद ये लुक काफ़ी अच्छा सा देखने को मिल जाता है। सो गाइस, मैं इसे अप्लाई करके देखा हूँ, आप देख पा रहे हैं हमारे डुअल एज में काफ़ी अच्छा दिख रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं एनिमेशन वाली की साइड की। एनिमेशन साइड वाली के लिए आपको सेकंड पेज पर जाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एक न्यू एनिमेशन स्टाइल देखने को मिल जाता है, और गाइज ये पुराना वाला ही देखने को मिल जाता है, लेकिन थोड़ा सा अपडेट किया गया है इसमें। अगर गाइज इसमें कोई भी एप्लीकेशन आपको सपोर्ट नहीं लेता या फिर क्रैश हो जाता है, आप इसे अनइंस्टॉल अपडेट कर सकते हैं। अगर और गाइज, कोई भी एप्लीकेशन अगर आपका इंस्टॉल नहीं होता, उसीलिए आपको मन दुख नहीं करना है, बस नेक्स्ट वीडियो की वेट करना है दोस्तों। तो दूसरी एप्लीकेशन में देखा हूँ, वो गाइज एल्बम एप्लीकेशन। एल्बम एप्लीकेशन में आपको काफ़ी अच्छे से फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, दो साइड दो पेज आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। मैं यहाँ पर सारी वॉलपेपर्स ये भी आपको दिखा देता हूँ, ये सारा वॉलपेपर मैंने स्टॉकी प्रो से एप्लीकेशन डाउनलोड किया है। मैंने स्टॉकी प्रो के एप्लीकेशन के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको चाहिए तो फिर मैंने आई कार्ड में लिंक दे दिया हूँ दोस्तों। यहाँ पर आपको कुछ न्यू फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, थ्री डॉट पर क्लिक कहीं तो फिर आपको न्यू फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और ब्लर वाला सेक्शन भी आपको थोड़ा सा ब्लर ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, और सेटिंग में गाइज आपको कुछ फीचर्स देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं दोस्तों। और कलेक्ट में गाइज आपको न्यू लुक देखने को मिल जाएगा कलर के अंदर, वो भी गाइज आप ट्राई कर देख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट चेंजेस की बात करता हूँ दोस्तों, वो है गाइज क्लॉक एप्लीकेशन की। क्लॉक एप्लीकेशन की एनिमेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है। फंटेजस 11 में जो एप्लीकेशन देखने को मिलता है, वही एप्लीकेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको एंगल क्लॉक और डिजिटल क्लॉक में सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैंने एंगल क्लॉक सिलेक्ट किया है, और इसमें ज़्यादा एनिमेशन वगैरह देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सो इस सेटिंग में आपको कुछ इस तरह का फीचर्स देखने को मिलता है, नीचे जो आइकन देखने को मिलता है वो भी गाइज एनिमेशन वाला देखने को मिल जाता है, और काफ़ी ज़्यादा स्मूथली वर्किंग करता है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, सभी वीवो डिवाइस में, सारी गाइज सभी एंड्रॉयड में वर्किंग देखने को मिल जाएगी दोस्तों। सो गाइज, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की, वो है कैलेंडर। गूगल वाला कैलेंडर आपको देखने को मिल जाता है, जो दिन जो डेट होगा वही आपको यहाँ पर शो कर जाएगा दोस्तों। सो मैं आपको दोबारा ओपन कर देखा देता हूँ। इसमें गाइज आप अपना और फैमिली का हैप्पी बर्थडे वगैरह सेट कर सकते हैं, और गाइज आपको इसमें काफ़ी सारे न्यू फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं, या गाइज आप प्ले स्टोर से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। उसके बाद मैं बात करता हूँ
नेक्स्ट एप्लीकेशन की, वो गाइज आपको जो भी में भी देखने को मिल जाएगी और जो भी होम वगैरह देखने को मिल जाएगी। मैं बात करता हूँ कॉम्पास एप्लीकेशन की, कॉम्पास भी गाइज आपको न्यू लुक देखने को मिल जाता है। ऊपर आपको सेटिंग का आइकन देखने को मिल जाता है और साइड में आपको एक लेवल कर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और ये भी ऑप्शन गाइज काफ़ी ज़्यादा कूल है और ये सेटिंग गाइज मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। ऊपर गाइज आपको सेटिंग आइकन देखने को मिलता है और प्राइवेसी उनका लीगल एक्शन वगैरह देखने को मिल जाता है। अब मैं बात करता हूँ इसकी जो भी होम एप्लीकेशन को लेकर, जो भी होम एप्लीकेशन में काफ़ी सारा चेंजेस आपको देखने को मिल जाएगा। और जो वाटर ड्रिंक का जो ऑप्शन देखने को मिलता है आपको, वो यहाँ पर आपको शैडो क्रिएट देखने को मिल जाता है और काफ़ी सारे ग्रेडेड कलर भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आपको पर्सनली मुझे ज़्यादा पसंद आए। कैलकुलेटर वगैरह भी आपको पहले से था और यूट्यूब अपडेट्स आपको न्यू देखने को मिल जाता है। और यहाँ से आप डायरेक्टली गूगल होम से भी स्विच कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी दोस्तों। अगर गाइज आप एक बार गूगल होम में स्विच कर जाते हैं, जो भी होम का स्विच करने का कोई भी ऑप्शन नहीं देता, मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो भी गाइज आपको आईकैडमी में लिंक देखने को मिल जाएगी, आप जाकर चेक कर लीजिएगा दोस्तों। तो गाइज अब मैं बात करता हूँ जो भी आपको लेकर, मतलब कि जो भी स्मार्ट इंजन, उसमें भी आपको सेम फीचर ही देखने को मिल जाता है, लेकिन सेटिंग वगैरह भी आपको नए आइकॉन्स ऑप्शन वगैरह ऐड देखने को मिल जाता है। सो मैं आपको दिखा देता हूँ जाकर जो भी में। तो गाइज आप सेम टू सेम उसी तरह देखने को मिल जाता है, लेकिन गाइज अगर आप सेटिंग पर जाते हैं अब तो फिर भी आपको न्यू ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर आपको शॉर्टकट्स भी लगा सकते हैं, जो कि आपको शॉर्टकट जो भी हमें देखने को मिल जाता है, और सजेशन बार भी आप चेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारा कस्टमाइज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चेंज की बात करें, गाइज आपको देखने को मिलेगा वेदर एप्लीकेशन में। वेदर एप्लीकेशन में आपको स्मूथ एनिमेशन वगैरह देखने को मिल जाता है। डे टाइम में आपको जो एनिमेशन देखने को मिलता है वो भी गाइज काफ़ी कूल है। सो नाइट में आपको कुछ इस टाइप का एनिमेशन वगैरह देखने को मिल जाएगा और वर्जन भी गाइज आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर होम स्क्रीन का अपडेट भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। फंटा चोरी सिलेवन में ये फीचर नहीं था, लेकिन एक अपडेट बाद ये फीचर ऐड कर लिया गया है। सो गाइज अपडेट भी आपको इस टाइप का चेंजेस देखने को मिल जाएगा। डुअल क्लाउड को इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ वीवो क्लाउड की। वीवो क्लाउड में भी आपको न्यू चेंजेस देखने को मिल जाएगी, न्यू आइकन वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। बैकअप में आपको जो पहले प्रॉब्लम देखने को मिलता था वो भी यहाँ पर सोल्यूशन हो चुका है, मतलब कि सॉल्व हो चुका है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी दोस्तों। सो हमारा वीवो अकाउंट खुला होना चाहिए आपका, तो भी आप बैकअप ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चेंजेस की बात करें वो है गाइस नोट एप्लीकेशन में। नोट एप्लीकेशन में आपको फोल्डर का एक न्यू ऑप्शन देखने को मिलता है और नीचे जो प्लस का आइकन देखने को मिलता है वो उसका भी आपको कलर चेंज देखने को मिलता है। और यहाँ पर गाइस आप वीवो क्लाउड एप्लीकेशन में डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर आपको न्यू ऑप्शन देखने को मिलता है, रिसेंटली डिलीटेड का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप कोई भी नोट डिलीट करेंगे वो रिसेंटली डिलीटेड ऑप्शन में ऐड हो जाएगा, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहता। उसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट चेंजेस की। तो गाइज मैं आपको 10 एप्लीकेशन आपको दिखा लिया दोस्तों। सभी एप्लीकेशन आपको डिवाइस में वर्किंग देखने को नहीं मिलेगी, कुछ कुछ एप्लीकेशन आपको वर्किंग देखने को मिल जाएगी दोस्तों। सो गाइज आई होप डैट ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को प्लीज एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑफ क्लिक कर देना। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और इंस्टाग्राम टेलीग्राम वगैरह पे फॉलो कर लीजिएगा। सो गाइज हमारा इंस्टाग्राम में जरूर ज्वाइन करना, यहाँ पर आप मुझे चैट भी कर सकते हैं और मेरी बॉट से भी बात कर सकते हैं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।